गाइस, इंडिया के लोग जुगाड़ करने में बहुत माहिर होते हैं और एक ऐसे ही जुगाड़ू कमलेश ने बिना किसी पढ़ाई और डिग्री के एक ऐसी साइकिल बना दी है जिससे किसानों की सदियों पुरानी समस्या का समाधान निकल गया है। दरअसल इस साइकिल के जरिए अब किसान खेत में कीटनाशक का छिड़काव कम टाइम में कर पाएंगे और यही नहीं, इस साइकिल से बीज बोने के साथ साथ माल को भी ढोया जा सकेगा, यानी कि ये साइकिल 3-in-1 काम करती है। कमलेश के इस आइडिया से प्रभावित होकर लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल ने उन्हें 30 लाख रुपए की फंडिंग दी है। 10 लाख रुपए मैं आपको दूंगा और 20 लाख रुपए मैं आपको दूंगा लोन, कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा आपसे, और उनकी हर मदद करने को तैयार हो गए हैं। गाइस, इसे ये तो पता चल ही गया होगा कि कोई भी काम को करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, बल्कि दिमाग और टैलेंट बहुत होता है। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अक्सर एलन मस्क अपनी टेस्ला कार की सिक्योरिटी को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन 19 साल के साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर डेविड कोलंबो ने टेस्ला की कार को हैक करके सारे दावे खोखले कर दिए हैं। दरअसल डेविड ने टेस्ला कार के दरवाजे खोलने और बंद करने से लेकर म्यूजिक और कार का सेंसिटिव डेटा तक हासिल कर लिया। हालांकि उन्हें कार की स्टीयरिंग और ब्रेक का कंट्रोल नहीं मिल पाया, लेकिन ब्रेक फेल करने समेत बाकी सारे फीचर्स को हैक कर लिया है। जिस कंपनी में डेविड काम करते हैं, उसी कंपनी के CTO के पास टेस्ला कार है जिस पर यह हैकिंग की गई। अब टेस्ला ने उन्हें बग निकालने के लिए कुछ पैसे देने की डील तो कर ली है, लेकिन ये एलन मस्क के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी दुनिया में फैला जरूर है, पर एक राहत है कि ये इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन चीन वुहान के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट नियोकोव को लेकर जो चेतावनी दी है, उससे एक बार फिर चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल ये वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों में मिलता है और ये इतना खतरनाक है कि इसमें हर 3 मरीजों में से एक मरीज की जान जा सकती है। लेकिन अब तक ये इंसानों में नहीं फैला है और कोई मरीज भी सामने नहीं आया है, क्योंकि ये वायरस सिर्फ जानवरों में ही देखा गया है। फिर भी इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप अपनी तरफ से कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते रहिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के दिन लहराने वाला तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इन दोनों ही अवसरों पर तिरंगा फहराने का तरीका बिल्कुल अलग है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन पोल के ऊपर तिरंगे को बांधा जाता है, जिसे डोर की मदद से खींचा जाता है और तब उसे फहराते हैं। इसका तर्क ये है कि देश आजाद हो चुका है और प्रगति की राह पर है, जबकि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन पोल के नीचे तिरंगे को बांधा जाता है, जिसे डोर की मदद से ऊपर ले जाते हैं और तब फहराते हैं। इसका मतलब ये है कि बड़ी मुश्किलों से हमने आजादी पाई है और इसे संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। अंत में ये दो पंक्तियां याद आती हैं, भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सभी ने पुष्पा मूवी तो जरूर देखी होगी। इस मूवी की कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन इस फिल्म में दिखाए गए लाल चंदन यानी कि रेड सैंडलवुड के बारे में सभी बातें लगभग सच है। ये एक बार जिसके हाथ भी लग जाए वो रंक को भी राजा बना देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत में लाल चंदन की तस्करी को रोकने के लिए कई बड़े कानून है। तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर भारत में 11 साल की सजा का प्रावधान है, फिर भी इसकी तस्करी सड़क के रास्ते, हवा के रास्ते और पानी के रास्ते की जाती है। और पिछले कई सालों में इन लकड़ियों की तादाद लगभग 50% तक घट चुकी है। क्या आप इससे पहले लाल चंदन की इस तस्करी के फैक्ट्स के बारे में जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। डाउनलोड राइट नाउ।